हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस ओसीडी के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ओसीडी मन में बार बार विचार आना, उन विचारों को रोक नहीं पाना और उन विचारों पर एक्शन ले लेना ओसीडी का रोग माना जाता है। ओबसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कुछ भी चीज़ का कंपल्सन होना। आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही कंपल्सन के बारे में जानने वाले हैं, एक ऐसे ही लक्षण के बारे में जानने वाले हैं जिसमें विचार बड़ी तीव्रता से आता है खुद को हानि पहुंचा लेने का। जैसे चाकू सामने दिखता है तो लगता है कि इस चाकू से मैं खुद को ना मार लूं या दूसरे को ना मार दूं। बस चाकू देखते ही ये विचार बड़ी तीव्रता से आएगा कि खुद को ना मार लूं, बस मैं चोट ना पहुंचा लूं, बस दूसरे को ना मार दूं। ब्लेड देखते ही लगेगा कि मैं खुद को चोट मार रहा हूं, खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं, दूसरों को मार रहा हूं। ऐसे विचार बड़ी तीव्रता से मन में आते हैं और जैसे ही विचार मन में आते हैं एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, चिंता से इंसान पूरी तरह से भर जाता है, मन बेकाबू में हो जाता है और उसी सिचुएशन में लक्षण के रूप में सामने आता है पसीना आने को हो जाता है, मुंह सूख जाता है, घुटन महसूस होने लग जाती है। ऐसे लगता है कि बस इस सिचुएशन से भाग जाएं, बस ये विचार ना आए, और उनको विचारों को निकालने के लिए एक मन में फिर जद्दोजहद चल पड़ती है कि इन विचारों को ना आना चाहिए, ये होना चाहिए। और इसी जद्दोजहद में विचार हैं कि जाने का नाम ही ले लेते हैं, वो दिमाग में बसेरा बना करके जैसे जम से गए होते हैं, उखड़ते ही नहीं हैं। इंसान फोन करके कहते हैं सर जी हमारे मन से ये विचार निकलते ही नहीं हैं, हम बड़ी कोशिश करते हैं इनको बाहर निकालने की, जितनी कोशिशें करते हैं उतने ही हमें ये ज़्यादा तंग करते हैं। तो इस ऑब्सेशन के अंदर चोट पहुंचाने के विचार आते हैं, हिंसात्मक विचार आते हैं। ये इंट्रूसिव थॉट कैटेगरी का ओसीडी है जिसमें विचार बायकाट वाले आते हैं, मारने वाले आते हैं। जैसे कोई भी हथियार सामने देखा, कोई भी हथियार, चाहे वो कुल्हाड़ी हो, कोई और हथियार हो, बस लगता है कि कहीं मैं मार ना लूं खुद को, कहीं दूसरे को ना मार दूं। जैसे किसी के मन में बार बार थॉट आता रहता है ना कि मैं थप्पड़ ना मार दूं किसी को, या मेरे कोई थप्पड़ ना मार दे, बस ये विचार बार बार आए और उसकी वजह से बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाए, बॉडी लैंग्वेज स्किप हो जाए, इंसान सुकड़ सा जाता है, चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं, पसीना महसूस होने लगता है, प्यास महसूस होती है, सांस ब्रीथिंग पैटर्न बदल जाता है, सांस फूलने लग जाती। तो ये ओसीडी के ही लक्षण हैं और आज ओसीडी का इलाज ऑनलाइन संभव है। अगर ऐसे विचार आपके मन में आते हैं, आपके आसपास किसी के मन में आते हैं, तो ज़रूरी है उससे बात की जाए और उसे इलाज के लिए बताया जाए। क्योंकि बहुत से इंसान ये वीडियो देखने के बाद फ़ोन करके कहते हैं सर हमें तो आज पता लगा कि ये विचार हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें कई सालों से कर रहे हैं और आज पता लगा कि ये बीमारी है, तो हम आज से इलाज लेना शुरू करते हैं। क्योंकि आज पता ही नहीं है कि इस तरह के विचार मन में आना, उसकी वजह से तंग होते रहना, क्योंकि तंग होते रहेंगे, सारी ज़िंदगी तंग होते रहेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं, मन की बात बताएंगे नहीं किसी को। अगर बता दिया तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं बेइज्जती ना हो जाए हमारी, शर्म महसूस होती है, भी देख तू भला चंगा इंसान, तेरे मन में विचार आते हैं, ऐसे मरने मारने के विचार आते हैं, तू तो बड़ा धार्मिक है, तेरे मन में ऐसे विचार आना कहाँ की अच्छी बात है, इसका मतलब तू धार्मिक है ही नहीं, तू तो झूठा इंसान है। ये सोच सोच के और डर जाता है, किसी को बताने की जहमत ही नहीं उठाता कि किसी को बता दिया तो बेइज्जती बहुत बुरी होगी। फिर कोई कई बार मन में आता है कि किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिल लिया जाए, जब मिलने को जाते हैं तो बताएं क्या दूसरे लोगों को, दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि ये उन मनोवैज्ञानिकों के पास जा रहा है, ये तो दिमाग से हिल चुका है, ये पागल हो चुका है, बस ये सोच के वो सोचता है जाता ही नहीं है कहीं। लेकिन आज इसी डर को दूर करने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की सेवा उपलब्ध है, आपको कहीं नहीं जाना, ना दूसरे को बताना, आप ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा मुझे बताएं, किसी अन्य काउंसलर को बताएं, और आपको ट्रीटमेंट के लिए भी कहीं नहीं जाना, ऑनलाइन आपके फ़ोन के द्वारा आपका इलाज हो सकता है। एक घंटे की एक काउंसलिंग सेशन होते हैं, अलग अलग प्रकार के सेशन हैं जो लक्षणों के अनुसार तय किए जाते हैं। इस तरह की परेशानियों से निपटने के लिए, ओसीडी से निपटने के लिए कारगर थेरेपीज़ काफ़ी सारी हैं। आपने उन थेरेपियों के विषय में तो सुना ही होगा, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी है, CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, कॉग्निटिव और भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनके द्वारा इलाज बड़ा संभव है। पावर ऑफ नाउ एक थेरेपी है, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, श्रीमद् भागवत गीता आज एक थेरेपी के रूप में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज
जरूरत है तो इन परेशानियों के बारे में अवेयर होने की। चूक न जाना ऑनलाइन, मुझे मन की बात बताना, मन की बात बताना, फोन करना आपकी जिम्मेवारी है। आपको मानसिक स्वास्थ्य देना मेरी जिम्मेवारी है। क्या आप अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं? मैं अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं। मैं वादा करता हूं, अगर आप फोन करते हैं, आप अपने लिए ना सही, अपने किसी अजीज मित्र घर के मेंबर के लिए फोन करते हैं जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा उपहार क्या है, क्या है आप जानते हैं? उसका स्वास्थ्य। अगर आप किसी को मानसिक स्वास्थ्य दे पाएं, किसी को सलाह दे पाएं, किसी को राय दे पाएं, तो उससे बड़ा उसके लिए कोई उपहार हो नहीं सकता। क्योंकि शारीरिक परेशानियों के लिए आप दवाइयों से इलाज ले सकते हैं, डॉक्टर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मानसिक परेशानियों से निजात दिलाने के लिए आज मिलता क्या है? दवाइयों से लक्षण दब तो कुछ देर के लिए जाते हैं, टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन जब तक कारण दूर नहीं होंगे इलाज पक्का नहीं हो सकता। काउंसलिंग साइकोथेरेपी के द्वारा इलाज पक्का इलाज है। आप फोन करने की जिम्मेवारी लें, आगे की जिम्मेवारी मेरी। आप इस तरह के वीडियो देखते हैं, इस तरह के वीडियो में मेरा हमेशा साथ देते हैं सिरसा टेक्निकल गगनदीप वर्मा। आप उनके चैनल को देख सकते हैं, कितने टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं जिनसे हम, मोबाइलों की बड़ी परेशानी होती है आज, उन परेशानियों से हम आसानी से निपट सकते हैं। आज एक हम सभ्य इंसान तभी बन पाएंगे जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत